हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अमित सैनी। स्वागत है आपका साड्डा फूड अड्डा में, जहां मैं आपके लिए हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज लेकर आता रहता हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जिससे आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज मैं बना रहा हूँ गाजर का हलवा, जिसे कुछ लोग गजरेला भी बोलते हैं, जिसको आज मैं बिल्कुल ही हलवाई स्टाइल में बनाऊँगा, जैसे शादियों में बनता है। तो आइए शुरू करते हैं गाजर का हलवा बनाना। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है। इस कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ा लिया और गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। और ये लिया है मैंने 750 ml दूध, ये फुल क्रीम दूध है। इसको मैं कढ़ाई में डाल दूंगा। दूध मैंने कढ़ाई में डाल दिया। अब इसको उबाल आने तक हम उबाल लेंगे अच्छे से। देखिए, उबाल आना दूध में शुरू हो गया है। अब इसमें हम गाजर डालेंगे। ये मैंने ली है 1 किलो गाजर ली थी। इसको मैंने अच्छे से धो करके साफ करके कद्दूकस कर लिया है। अब इसको मैं दूध में डालूँगा। थोड़ा थोड़ा हाथ से सारी कद्दूकस की हुई गाजर हम उबले हुए दूध में डाल देंगे। 1 किलो गाजर के लिए 750 ml दूध काफ़ी है। बाकी अगर आप कम लेना चाहें तो कम भी ले सकते हैं, बाकी ज़्यादा भी ले सकते हैं। ज़्यादा बस मैक्सिमम आप 900 ml तक लें, उससे ज़्यादा मत लें। अब जो ये गाजर मैंने डाली थी और दूध को, आपस में हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। गाजर और दूध को हमें मध्यम आंच पर पकाना है, जब तक दूध हमारा गाढ़ा ना हो जाए और गाजर का पानी पूरा सूख ना जाए। देखिए, गाजर और दूध हमारा मिक्स होकर उबलना शुरू हो गया है और हलवे को हमें बीच बीच में एक चम्मच या करछी की सहायता से इसको चलाते रहना है, जिससे ये नीचे ना लग जाए। क्योंकि अगर हलवा नीचे लग जाएगा तो हलवा जल जाएगा, जो कि खाने में बहुत ही बेकार लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको बीच बीच में आप चलाते रहें। हलवे को वैसे आप कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में वो स्वाद नहीं आता है जो कढ़ाई में बनाने में आता है। क्योंकि कढ़ाई में बनाने से कि जो हमने दूध लिया है, ये अच्छे से गाढ़ा होएगा, अच्छे से कढ़ जाएगा, तो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप प्रेफर करेंगे कढ़ाई में बनाएं। अगर कम समय है तो आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं। ये देखिए, दूध अच्छे से उबाल आ रहा है। अब इसको बीच बीच में चलाना है। देखिए, दूध जो हमने लिया था वो क्वांटिटी उसकी आधी रह गई है, आधा दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो गया है। कढ़ाई में हलवा बनाने में 80 से 90 मिनट का समय लगता है, लेकिन हलवा बहुत ही अच्छा बनता है। देखिए, ऑलमोस्ट दूध हमारा सारा गाढ़ा हो गया है और अच्छे से सूख गया है। अब इसको 10 मिनट और लगेंगे और 10 मिनट में दूध अच्छे से हमारा सूख जाएगा, बाकी जो बचा हुआ है। ये देखिए, दूध हमारा सारा सूख गया है और गाजर भी हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। ये मैंने चीनी ली है 1 कटोरी, या 200 ग्राम चीनी है। 1 किलो गाजर में 200 ग्राम चीनी काफ़ी है। अगर आपको मीठा तेज पसंद है तो आप 250 ग्राम ले सकते हैं, 50 ग्राम और बढ़ा सकते हैं। अब इसको हम एक करछी की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूंगा। ये मैंने लिया है इलायची पाउडर, ये आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल रहा हूँ मैं इसमें। इलायची पाउडर डालने से हलवे का टेस्ट बढ़ जाता है और महक भी अच्छी आती है। अब इसको मैं अच्छे से मिला दूंगा। और अब जो चीनी हमारी मेल्ट हुई है, इसको मैं अच्छे से, जब तक ये सूख ना जाए तब तक इसको मैं अच्छे से पका लूँगा हलवे को। और इसको बीच बीच में आप करछी से चलाना ना भूलें, ज़रूर चलाते रहें, जिससे नीचे ना लगे। इसको हमने अच्छे से चीनी घुलने के बाद अच्छे से सुखा लिया। देखिए, ये अच्छे से सूख गया है। अब इसमें हम डालेंगे खोया। ये मैंने लिया है 150 ग्राम खोया, या इसको आप मावा भी बोल सकते हैं, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। और इसको अब अच्छे से मैं हलवे के साथ मैश कर लूँगा, अच्छे से मिक्स कर लूँगा। बाकी अगर आपको मावा अच्छा नहीं लगता है तो मत डालें, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देखिए, अच्छे से इसको, मावे को मैंने इसको अंदर मैश कर लिया है, मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ये मैंने लिए 8 से 10 बादाम लिए हैं, इनको छोटा छोटा काट लिया था, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये मैं लिए हैं काजू, 9 से 10 काजू लिए हैं, काजू भी डाल दिए हैं। किशमिश ली है मैंने 10 से 15 किशमिश भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसको मैं अच्छे से ड्राई फ्रूट को अच्छे से इसके साथ हलवे के साथ मिक्स कर दूंगा। ड्राई फ्रूट को हलवे के साथ मिक्स करने के बाद आप 5 से 10 मिनट के लिए हलवे को अच्छे से भूनें।
5 से 10 मिनट हो गए हैं हलवे को भूनते हुए। अब हलवा हमारा रेडी है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और हलवे को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये एक प्लेट ली है, हलवे को मैंने इसमें निकाल लिया है और ऊपर से काजू बादाम किशमिश और पिस्ता से गार्निश कर दिया है। हलवा सर्व करने के लिए रेडी है। गाजर के हलवे की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।